हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का। आपका जो देखिए 4/2018 मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, ठीक है। 11 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है आपका। उसके सभी 90 प्रश्नों के आंसर की आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और एक बात बता दूँ, जैसे कि देखिए ये पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा हैंग सॉन्ग वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आपको सभी को जो है सीरीज वाइज नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आपका कोड होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो जो प्रश्न आपके वो आगे पीछे करके मिल जाएंगे, लेकिन 90 के 90 प्रश्न आपको सेम इसी वीडियो में मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न दिया हुआ है मैथ का है। यदि बहुपदीय पी एक्स बराबर -x² + 3x + 5k का एक शून्य फोर है, तो k का मान पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा वो होगा ए, 4 आ जाएगा। उसके बाद है हैंग सोंग एक चीनी यात्री था, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद तीन का है थायरेक्सिन के संश्लेषण के, तो इसका आ जाएगा खालिस्तान में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन आवश्यक है। उसके बाद है चार का साहिबी नदी को दृष्टि भी कहते हैं। उसके बाद है पांच का कंप्यूटर में CMOS का मतलब पूछ लिया, ठीक है, CMOS का। तो पांच का राइट आंसर बनता है जी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन विरोध था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, सी हो जाएगा ये, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 7 का है जी, 7 का लगाइए, हाँ जी, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे, इसे सोल्व करने के बाद इसका आंसर बनता है यहाँ पे सी, ठीक है, 1/√7। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का लगाइए जी, हाँ जी। उसके बाद 8 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो इसका राइट आंसर बनता है वो है -3, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 का है सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 10 का, 10 के क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 0.3 एम्पियर। उसके बाद है 11 का, यदि 9 सितंबर को रविवार है तो 18 सितंबर को क्या होगा, तो ये होगा मंगलवार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 12 का, खालिस्तान ग्राम पंचायत के प्रमुख है तो सरपंच, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद हरियाणा खालिस्तान दीदी सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है, ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदी की परिधि 108 सेंटीमीटर है तो चांदी का व्यास पूछ लिया, 108 है तो इसका जो है व्यास कितना होगा, तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर सोल्व करने के बाद देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद 15 का है, नेक्स्ट लगाइए जी, जी हाँ जी लगा दीजिए जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ। 15 का है आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाएं पड़ी है, तो 15 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और हाँ दोस्तों एक बात और बता दूँ कि अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे रेड कलर का बटन नहीं दबाया आपने अभी तक, तो इसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, और इसके सामने एक बेल आइकन दिखेगा उसे ज़रूर दबाएं, इससे आपको आने वाली नई अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार, ठीक है, तो कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1994 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये किया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का जी, लगा दीजिए, वह ज्ञात करें जो निम्नलिखित दिए गए अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है, हाँ जी राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लगाइए 19 का हमारा प्रश्न यहाँ पर मैथ का है, इसे सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा -4, 6, ठीक है। उसके बाद 20 का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है, इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 30, आप अपना मिला सकते हैं, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। उसके बाद है 21 यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो इसका जो राइट आंसर बनता है जी वो होगा बी, ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, तीर्थ दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 23 का, 23 का जो राइट आंसर है वो है सी,
शिवालिक श्रेणी आएगा इसका, ठीक है, मिला लेना अपना शिवालिक श्रेणी जी, राइट। नेक्स्ट लगाइए 24 का जी, हो गया। हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य, तो क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, जलीय सतल मानचित्रण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 25 का, एक संख्या दो अंकों से बनी है जिसे अंकों का योग 3 है, यदि 9 को उस संख्या से जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान आपस में बदल देते, तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 12 जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एक उभयविष्ट जो है उभयनिष्ठ ऑक्साइड है, तो 26 का राइट आंसर है यहाँ पे ए, ठीक है, Al2O3। नेक्स्ट है 27 का, सारम रूस तल के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए, तो जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ये और दो दोनों सही हैं। उसके बाद महाभारत के अध्याय में भगवत गीता, तो कौन सी में है, ये है सी, 18वें में है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 लगा दीजिए, 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आधार कार्ड बनाम निजता को खतरा पर अपने ऐतिहासिक फैसले में यह कहा था कि आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है अपवाद, ठीक है 29 का, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक और जो है एक और 3 हो जाएगा इसका, ठीक राइट आंसर। उसके बाद 30 का है, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा जो है नगर निगम संशोधन बिल पारित किया, तो कब किया है ये, 30 का राइट आंसर यहाँ पे बनता है डी, 31 मार्च 2016 को। उसके बाद नेक्स्ट है 31 का, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए, तो 31 का राइट आंसर बनता है यहाँ पे सी, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में खालिस्तान समृद्ध है, तो क्या है ये, 32 का आएगा सी स्लेट, ठीक है सी इसका हो जाएगा, ठीक स्लेट। उसके बाद 33 का, बैंकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अमल जैसे खालिस्तान का एक मिश्रण बैंकिंग पाउडर है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंजोइल अमल। इसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले, कितनी जिले हैं हरियाणा राज्य में, 34 बी राइट आंसर, 6 जिले हैं। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त अक्षर का ज्ञात करें, 35 का जो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बनेगा MMO, ठीक है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लगाइए 36 का जी, हाँ जी लग गया, ठीक है, विश्व निवेशक शिखर सम्मेलन खालिस्तान दे दिया में हुआ, कब हुआ है, 36 का राइट आंसर डी, 10 अप्रैल 2017। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है, कौन बनाता है, डी बनाता है, ठीक है राइट आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है 38 राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 26। उसके बाद नेक्स्ट है, एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंची एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है, दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच कितनी दूरी है, तो 39 का राइट जो क्वेश्चन है इसे सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, मैग्नीज हरियाणा के खालिस्तान जिले में पाया जाता है, पाया जाता है महेंद्रगढ़ में, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है, तो क्या नहीं है ये, 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उक्त में से कोई नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 42 का जी लगाइए, उर्दू काव्य का पहला शोषण पत्र द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, हाँ जी राइट आंसर अल्ताफ अली हुसैन। उसके बाद यदि आए को कूट में 35 तो ओफ को के रूप में कटुबद्ध किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्व कीजिए आप इसको, 27 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बाण भट्ट ने खालिस्तान लिखी, तो बाण भट्ट ने क्या लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, हरिश्चरित, ठीक है हर्षचरित लिखे, डी इसका राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे 45 का, इसे सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा बी, 29/2। उसके बाद नेक्स्ट है 46 का, निम्नलिखित में से कौन सी दाई और आकार मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है, नहीं है पूछा यहाँ पे, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोसी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सही अर्थ नैतिकता है, किसका सही अर्थ नैतिकता है, तो सभी, ठीक है तो इन सभी का अर्थ जो है नैतिकता से है। उसके बाद नेक्स्ट है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है केवल शीर्ष आने की प्रायिकता पूछिए यहाँ पे, तो शीर्ष आने की जो प्रायिकता है वो होगी 1/2, सी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया है, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा जी बी, ठीक है बी हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी खंडवा, ठीक है बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है बिना लाइक किए मत जाना, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, और वीडियो के लास्ट में जरूर बताना कमेंट करके आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? यह कर्म, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 52 का, 52 का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा √5 और √5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 53 का, लगाइए जी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है, नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो 33 का हो जाएगा सी, असंग जनन। उसके बाद है 54 का, 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए, तो गलत कौन सा हो जाएगा जी, 54 का, हाँ जी डी राइट आंसर का। फिर भी अंतत इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी, डी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है 55 का, प्रो बोनो जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों से में सुनते हैं खालिस्तान में संदर्भित है, तो क्या होगा 55 का जी, राइट आंसर है इसका ए हो जाएगा, निःशुल्क विविधिक सेवाएं। उसके बाद है 56 का, भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार क्या कहलाता है, कहलाता है दशहरा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवत गीता में खालिस्तान और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है, ठीक है, तो जो 57 का राइट आंसर है हो जाएगा जी डी, 57 का डी अर्जुन। उसके बाद है 58 का, नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है, तो कौन सा है ये, 58 का बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा होता है जी राइट आंसर टाइफाइड होता है, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का त्यौहार है यह दीपावली, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 61 का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, -6। उसके बाद 62 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, तो किस में होता है हीमोग्लोबिन, तो 62 का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद नेक्स्ट है 63 का, लगाइए जी, मछली के हृदय में जो कक्ष पूछे हैं कितने हैं, मछली ये हैं 2 कक्ष, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। उसके बाद नेक्स्ट है 64 का, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में के समय जो बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह क्या कहलाती है, हमारी खरीफ फसल। उसके बाद नेक्स्ट है 61 का दिया है, भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्भव में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का जो विकल्प चुनिए, तो 65 का राइट आंसर बनता है यहाँ पे ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी आपको सभी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे ज़्यादा समय न लेते हुए, ठीक है। वह शब्द ज्ञात करें जो निम्नलिखित दिए गए अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, तो 66 का हो जाएगा इसका। दोस्तों थोड़ा डाउट है, इसका ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और बाद में जो है जो 66 का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, यहाँ पे मैथ का सवाल है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 15 वर्ष, ये हो जाएगा। उसके बाद है बड़खल झील खालिस्तान में स्थित है, तो बड़खल झील है यहाँ पे फरीदाबाद में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 69, 69 का लगाइए, 69 का जो क्वेश्चन है, आई एम नॉट राइड है नो तो टू गो टू बेड येट आई वुडन टू स्लीप इफ, यहाँ पे होगा इसका जो 69 का है डी हो जाएगा जी, वेंट। उसके बाद है 70 का, 70 सी रिमाइंडेड खालिस्तान दे दिया इसका हो जाएगा जी 70 का, हाँ जी डी राइट आंसर हो जाएगा, मी वेयर आई हैड टू लिव। उसके बाद नेक्स्ट है 71 का, देखिए हु इज नॉट नीडेड बेस्ट प्लेयर इन योअर टीम, बी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद है 72 का, आई डोंट वॉच, हाँ जी 72 का बताइए बी है, हाँ जी यहाँ भी इसका नॉट नीडेड होगा, नॉट नीडेड टेलीविजन वेरी ऑफ्टन, जी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 73 लगाइए, खालिस्तान दे दिया ए लॉन्ग टाइम फॉर द बश, हाँ जी क्या होगा इसका, हाँ जी राइट आंसर है वी हैव टू वेट, इसका ए होगा, सॉरी ए हो जाएगा इसका 73 का ए होगा, ठीक है। उसके बाद 74 देखते हैं, आई आई खालिस्तान टेलीविजन अलॉट बट आई डोंट एनी मोर, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यूज टू वॉच। उसके बाद नेक्स्ट है, द कर्स एलिमेशन ट्राइड द बिगुल्ड एंड एन ऑफर ऑफ फ्री गैस फॉर ए ईयर, जी 75 का, हाँ जी राइट आंसर। यहाँ पे इसका स्ट्रेंज भी हो सकता है और मिस्ट्री हो, तो सॉरी इसमें देखते हैं बाद में इसका आंसर, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके बाद 76 का देखते हैं जी, हाँ जी 76 का लगाइए, हाँ जी राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, एक्विट, हाँ जी बी राइट आंसर है इसका, ठीक है बी। उसके बाद है नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एपोराइटेड
प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पे होगा 77 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। आई एंजॉय वाचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। जी हाँ जी एक्सिस जी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके बाद नेक्स्ट 78 का, शी लाइव्स इन पर्थ सियोवन से हाउस द साउंड रिवर। हाँ जी 78 का, 78 का ए बनता है। हाँ जी ये हो जाएगा इसका ओन, ओन आएगा यहाँ पे ओन। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नियासी। यहाँ पे हमारे होते हैं हिंदी के प्रश्न शुरू। निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो राक्षस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सुर। राइट आंसर। उसके बाद है 80 का, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। ठीक है खुश शब्द के साथ कौन सा जो उपसर्ग सही लगता है, तो ये हो जाएगा नाखुश। 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाखुश सही लगेगा। ठीक है उसके बाद है टस से मस होने का मुहावरे का अर्थ है क्या होगा, टस से मस। जी राइट हो जाएगा जरा भी न हिलना। ठीक है उसके बाद 82 वाला लगा दीजिए। जी 82, 82 जी हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता पद का परिचय दीजिए। जी 83 का ये हो जाएगा यहाँ पे, अकर्मक क्रिया क्रमवाच्य वर्तमान काल और एकवचन और पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है उसके तो बाद 84 है, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है 85 का, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो प्रकृति ये हो जाएगा इसका। उसके बाद है सुमेलित कीजिए 86 का, 86 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए। ठीक है मिला लेना आप एक बार अच्छी तरह से। उसके बाद दे दिया 87 का, सखी शब्द बहुवचन रूप है, सखी शब्द का बहुवचन रूप है, तो 87 का होगा सखियाँ, बहुवचन हो जाएगा सखी सखियाँ। उसके बाद लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, इसे कर्तवाच्य में लिखिए, कर्तवाच्य होगा इसका लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। उसके बाद नेक्स्ट है इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है, तो ये कौन सी, ये होगी हमारी जन संधि। ठीक है डी राइट आंसर। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है 90 का, जहाँ उपमेय का उपमान का आरोपण हो है वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ होगा रूपक अलंकार। ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी आंसर की का पता चल सके। ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।